हेलो जी, सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल ते जय साईं जी दी। मेरे वालों जी ते मैं तुहाडा अपना देव हीर ते तुसी देख रहे हो जी मेरा यूट्यूब चैनल देव हीर ब्लॉग्स। ते जे तुसी इस चैनल ते पहली बार आए हो तो चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लियो ते बेल आइकन नू ऑन करना ना भुल्यो ताकि तुहानू आउण वाली हर एक नवीं वीडियो की अपडेट अपने आप मिलती रहे। ते आओ शुरू करदे हां जी अज दा किस्सा। अज दा किस्सा जी मेरे नाल शेयर किया मोनिका धवन जी ने, जो कि हिमाचल सुंदर नगर तो ने। वो कहिंदे कि मेरे हसबेंड की जॉब गौरमेंट जॉब आ, BBMB दे विच एस जी ओ लगे हुए ने। 2021 दी अगस्त दे विच कहिंदे जी उन्हां दी प्रमोशन हो गई। प्रमोशन हुई तो असीं बड़े खुश होए सारे जाने कि साईं जी दी कृपा दे नाल उन्हां दी प्रमोशन हो गई। तो असीं कहिंदे शुरू तो ही हिमाचल सुंदर नगर के रह रहे हैं तो साड़ी जी जॉब चलती पई सी शुरू तो असी जॉब हिमाचल सुंदर नगर के ही की असी गौरमेंट की दिती हुई एक कोठी के रह रहे हैं। गल ये हूँ प्रमोशन तो बाद इन्ह के अफसर ने इन की पोस्टिंग करनी सी ते चलता रहा पर विच कुछ बंदे इन्ह के ऑफिस के इन दे नाल कह लो कि जैलसी करने वाले सी तां ओह इन्हां नूं बड़ा डिस्टर्ब कर रहे सी। ओह चाहुंदे सी कि इन्हां दी पोस्टिंग ना होवे, भी जो ये चाहुंदे आ भी जो असी चाहुंदे आ उही होवे, जो भी मेरे हसबेंड चाहुंदे ने ओह इन्हां तों खिंचदे सी। चलो जी अफसरां ने जी पोस्टिंग नहीं कीती, असी बड़े हैरान होए भी इह की चक्कर आ। करदे करदे उन्हां ने बैक टू कोई इन्हां दी स्लिप हुंदी आ जां कोई भी इन्हां दा डॉक्यूमेंट हुंदा आ, इन्हां ने वापस हिमाचल नूं उन्हां नूं एक डॉक्यूमेंट भेजता। उन्हां अफसरां ने पोस्टिंग तां कीती नहीं पर उन्हां बंदियां दीआं गल्लां दे विच आ के उन्हां ने हिमाचल वापस भेजण दा इन्हां नूं एक लैटर भेजता। तो सानूं बिना कुछ दसे बिल्कुल ऐन मौके ते आ के कहिंदे कि तुहाडी जिहड़ी ट्रांसफर हो गई ओह शिमले हो गई। तो मेरे हसबेंड आके मैनू कहिंदे भी शिमले जाना पैना, शिमले ट्रांसफर हो गई। कहिंदे मैं बहुत दुखी हुई, मैं बड़ा रोई कि भी शुरू तो हिमाचल सुंदर नगर के रहे हैं तो शिमले जाके साडा जी नहीं लगना। तो सब तो वड्डी गल कि जे असीं इत्थों छड्ड के सब कुछ शिमले जाने हाँ तो सैलरी दे विच ही 10 लाख का सानू नुकसान होना सी। चलो बड़ी टेंशन च सीगे कि ये की हो रहा। कहिंदे मैं अपने हसबेंड नूं कहा भी तुसीं मेरी गल मन्नो, आपां नकोदर चलदे हां साईं जी दे अगे जाके अरदास करके आउने आ। हसबेंड मन गए। असीं कहिंदे नकोदर दरबार गए मत्था टेकण वास्ते ते मैं अपने नाल जिहड़े डॉक्यूमेंट सीगे मेरे हसबेंड दे रिटायरमेंट दे सी, क्योंकि नवंबर दे विच ही इन्हां दी रिटायरमेंट होनी सी ते कुछ कु महीने रहिंदे सी जिहड़े जिहदे विच इन्हां ने जॉब करनी सी पोस्टिंग करा के। मैं जिन्हें इन्होंने डॉक्यूमेंट सके रिटायरमेंट के या बाकी जो डॉक्यूमेंट सके वापस जाने दे आए सी वो मैं सारे डॉक्यूमेंट लैके दरबार नकोदर साईं जी दे अगे चल गई, सलाम कीती, सारे पेपर्स मूहरे रख के कि साईं जी तुहाडे अगे पेपर पए ने इन्हां नूं बदलो जिदा मर्जी करो तुहाडे हाथ च आ, असीं शिमले नहीं जाना सुंदर नगर च ही रहना आ, बाकी तुहाडी मर्जी जिवें करना करो। कहिंदे जी अरदास कीती साईं जी नूं, अरदास करके असीं वापस सुंदर नगर आ गए अपने घर आ गए, पर कुछ भी नहीं होया, उदों ही चलता रहा माहौल। तो मैं भी बड़ी दुखी सी, हसबेंड भी बड़े परेशान सी। असीं सोचिया कि ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं छड्डिया आपां, ऐसा कोई मंत्री नहीं छड्डिया जिन्हां नूं आपां ना किया होवे भी साडी जिहड़ी इह शिमले दी पोस्टिंग हो रही है इह रोक दो, पर गल नहीं बनी। साईं जी दे अगे अरदास कीती हुई सी पर सब कुछ उदों ही चल रहा सी। चलो जी मैं इन्ना रो रही सी कि साईं जी ने साड़ी सुनी नहीं। दिन लंघते गए लंघते गए लंघते गए लंघते गए, आखिर रिटायरमेंट का दिन आ गया 3 नवंबर। 3 नवंबर का दिन आ गया तो 3 नवंबर नूं सवेरे 10 बजे मेरे हसबेंड मैनू कहिंदे ने कि मैं ऑफिस चलिया भी शिमले दे लई, मैं पेपर्स लैण वास्ते ऑफिस चलिया आ ते तू पैकिंग वगैरह कर ला, आपां शिमले जाना, मैं टैक्सी बुक कराती हुई आ। ओ जी इन्ना इन्नी गल कह के कहिंदे मेरे हसबेंड ऑफिस चले गए। मैं नाल नाल पैकिंग कर रही हाँ, नाल नाल मैं रो रही हाँ। तो जिहड़ी साडी कहिंदे मेड आ उह साडे घर ही रहिंदी सी, उह मेड कहिंदे मैनू देख के रोण लग पई कि भी तुसीं क्यों रो रहे हो, टेंशन ना लो, साईं जी जो भी
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਮੇੜ ਨੇ ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੱਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੱਗਿਓਂ ਉੱਚੀ ਦੇਣੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਿ ਜੈ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉੱਚੀ ਦੇਣੇ ਜੈ ਸਾਈਂ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੱਗਿਓਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਉਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਟ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦੀ, ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਮ ਡੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਸੇਮ ਡੇ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੇਮ ਡੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰਤਾ, ਪੇਪਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ ਹਜੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸਾ ਪਲਟਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਕੋਦਰ ਦਰਬਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਹਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿੱਸਾ ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜੈ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ।